का सेकंड पार्ट। टू वोमेन एंड फाइव मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। दो औरतें और पांच आदमी किसी एम्ब्रॉयडरी के वर्क को 4 दिन में पूरा कर देते हैं। वाइल थ्री वोमेन एंड सिक्स मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। जबकि अगर तीन औरतें और छः आदमी काम पर लगते हैं तो वो उस काम को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वोमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय वन मैन अलोन। तो आप ये बताइए, अगर उस काम को सिर्फ अकेली एक औरत करे तो कितने दिन लगेंगे, और अकेला एक आदमी करे तो उसे कितना दिन लगेगा उस काम को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये वर्क और टाइम का क्वेश्चन होता है। तो वर्क और टाइम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। तो सम्स करवाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको उसका कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि जैसे किसी काम को आप 5 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में उस काम को कितना करेंगे। पूरा का मतलब क्या होता है? पूरे का मतलब होता है आपका वन। वन क्यों होता है पूरा? देखिए, जब आपको एग्ज़ाम में 100 में से 100 मार्क्स मिलते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं ना। अब अगर आप इसका फ्रैक्शन बनाएं तो ये वन ही तो आ गया। तो वन का मतलब होता है पूरा। अगर 5 दिन में, यानी कि 5 दिन में आप किसी काम को पूरा करते हैं तो उसी काम को आप एक दिन में कितना करेंगे? 1/5, यानी कि उसका पांचवा हिस्सा। अगर आप 2 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं तो 2 दिन में 1 यानी पूरा, तो फिर एक दिन में कितना काम होगा? 1/2। तो वर्क और टाइम आपस में इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि उल्टा। अगर आपके दिन ज़्यादा हैं तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, अगर दिन कम हैं तो फिर आपका काम देर से होगा। तो ये इनवर्स रिलेशन होता है। अब इसी इनवर्स रिलेशन को यूज करके आपको अपना एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक औरत अकेले कितना टाइम लेगी और एक आदमी अकेला कितना टाइम लेगा। तो सबसे पहले तो आप इन्हें एक्स वाई मान लीजिए। लेट वन वोमेन फिनिश वर्क इन एक्स डेज। एक अकेली औरत उस काम को एक्स दिन में पूरा कर देगी एंड वन मैन फिनिश वर्क इन वाई डेज। और अकेला आदमी अगर उस काम को करे तो आपके वाई डेज में वो उसको पूरा कर देगा। चलिए, अब आपको केस दिया हुआ है पहला कि दो औरतें और पांच आदमी, तो टू वोमेन एंड फाइव मैन, ये काम को 4 दिन में पूरा कर देते हैं। सेकंड केस आपको दिया है थ्री वोमेन और सिक्स मैन, ये काम को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि आपके दो औरतें और पांच आदमी एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों मिलके। और उससे पहले हम ये निकालेंगे कि एक औरत एक दिन में कितना काम करती है और एक आदमी अकेला एक दिन में कितना काम करता है। और वो आपके यहीं से निकलेंगे और इसी कॉन्सेप्ट से निकलेंगे जो अभी अभी मैंने आपको ये बताया। तो देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे, मैं पहले वोमेन का लिखता हूँ, यहाँ पे मैं मैन का केस लिखूँगा। वन वोमेन्स वन डे वर्क, अगर एक औरत को पूरा काम करने में एक्स दिन लगते हैं तो एक औरत एक दिन में कितना काम करेगी। अभी अभी मैंने बताया ना आपको इनवर्स रिलेशन, तो 1/x इसके नीचे आ गया। अब आपकी है यहां पे केस वन में, ये मैं केस वन ले रहा हूं, ये केस वन के लिए लिख रहा हूं मैं सारा चीज पहले। तो एक औरत एक दिन में आपका 1/x वर्क करती है। केस वन में आपकी दो औरतें हैं, तो दो औरतें कितना लेंगी टाइम? तो टू वुमेन
टू वोमेन्स वन डे वर्क। दो औरतें कितना करेंगी, इसका डबल कर देंगी, यानी टू अपॉन एक्स। अब मैन का लेते हैं, फर्स्ट केस में आपके पांच आदमी हैं, तो पहले एक आदमी का निकालते हैं, वन मैंस वन डे वर्क। आदमी टोटल काम को वाई दिन ले रहा है ना, तो इन्वर्स हो जाएगा वन अपॉन वाई। फर्स्ट केस में पांच आदमी हैं आपके, तो आप अब पांच का निकालेंगे, फाइव मैंस वन डे वर्क, तो पांच गुना हो जाएगा, यानी कि फाइव अपॉन वाई। ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया ना फाइव, इससे मैंने फाइव अपॉन वाई डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, ये आपका केस वन है। अब आपको देखना है कि दो औरत और पांच आदमी, ये जो काम है ना, ये एक दिन का है जिस पे मैं ये लाइन लगा रहा हूँ, ये चीज़, ये एक दिन का काम है दो औरतों का और पांच आदमियों का। इसे मैं एक साथ लिखता हूँ, टू एक्स प्लस फाइव वाई। ये एक दिन का काम हुआ, टोटल काम करने में लग रहे हैं आपके चार दिन, तो अगर इसे चार से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये चार दिन का काम हो गया, दो औरतों का पांच आदमियों का, ये चार दिन का काम हो गया, और वो लोग चार दिन में इस काम को पूरा कर देते हैं, यानी कि वन। पूरा मतलब वन, बताया ना अभी मैंने आपको कि वन का मतलब आपका पूरा होता है। तो ये फर्स्ट केस बन गया आपका। इस फर्स्ट केस से आपकी इक्वेशन बनेगी, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फोर टू जार एट अपॉन एक्स प्लस फोर फाइव जार 20 वाई, और इधर आपका ये वन, ये बनी है आपकी इक्वेशन नंबर वन। अच्छा, ये मैंने केस वन समझाया आपको। सेम टू सेम इसी तरह से आपका केस टू है, मैं पूरा लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको ये रिवीजन भी हो जाए। केस टू में यहां मैं वोमेन लेता हूं, और यहां मैं आपका मैन लेता हूं। केस टू पर आपको दिख रहा है थ्री वोमेन, तो पहले एक औरत का एक दिन का काम निकालेंगे, तो वन वोमेन वन वोमेन्स वन डे वर्क, ये हो जाएगा आपका टोटल। तो एक्स ले रही है ना, तो एक्स का इन्वर्स वन अपॉन एक्स। अब केस टू में आपकी तीन औरतें हैं, यहाँ पे थ्री औरतें हैं, तो तीन औरतों का एक दिन का काम, वो इसका थ्री टाइम्स हो जाएगा, यानी थ्री इंटू वन अपॉन एक्स, सीधा थ्री अपॉन एक्स लिख सकते हैं हम। केस टू में आदमियों का, एक आदमी का एक दिन का काम, वो वन अपॉन वाई हो जाएगा। और आदमी है आपके केस टू में सिक्स, तो सिक्स मैंस वन डे वर्क, तो इसको सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सिक्स अपॉन वाई। अब तीन औरतें और छह आदमी, ये जो है ये एक दिन का काम है, तीन औरतों का छह आदमियों का, ये एक दिन का काम है, इन्हें मैं प्लस कर दूंगा, तो थ्री अपॉन एक्स प्लस सिक्स अपॉन वाई, ये एक दिन का काम हुआ। अच्छा, काम पूरा होने में आपके 3 दिन लग रहे हैं इस बार, इस केस में टू में, तो अगर मैं इसे तीन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 3 दिन का काम हो जाएगा इन सब का, और काम आपका पूरा हो जाएगा। ये आपका केस टू था। इससे आपकी इक्वेशन बनेगी, थ्री थ्री जार नाइन अपॉन में एक्स प्लस सिक्स थ्री जार 18 अपॉन में वाई इज इक्वल टू ये वन। ये बना आपका केस टू की इक्वेशन नंबर टू। ये सबसे पहले आपका इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यही चीज़ इसमें समझने की है। इक्वेशंस को तो आप सॉल्व करना जानते हैं, आपको दिख रही हैं इक्वेशंस बन गई हैं, और ये रिड्यूस भी हो जाएंगी, तो इस केस को आपको फिर से आप एक बार इसको रिवाइंड करके अच्छे से देख लेना,
इसके बाद इनका सॉल्यूशन करना है। दो इक्वेशन तो आ गई हैं आपकी, इक्वेशन ये, इसे रिड्यूस करेंगे। सबसे पहले तो आपको इक्वेशन की फॉर्म दिख रही होगी, तो मैं एक बार फिर से रिराइट कर लेता हूँ इक्वेशंस को। 8 अपॉन x + 20 अपॉन y = 1, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन है मेरी 9 अपॉन x + 18 अपॉन y = 1। अब इन दो इक्वेशंस को बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे आपने लास्ट एक्सरसाइज इसके सम्स किए थे। पहले इन्हें रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने के लिए देखेंगे कि दोनों इक्वेशन में आपका क्या चीज़ सेम दिख रही है। देखिए यहाँ 1 अपॉन x, 1 अपॉन y, 1 अपॉन y, तो इन्हें लेट कर लेंगे। तो लेट 1 अपॉन x = a एंड 1 अपॉन y = b। तो 8 ऊपर है और 1 अपॉन x की जगह पे लिखेंगे a, a यहाँ आ गया, प्लस 20 आपका ऊपर है, 1 अपॉन y की जगह लिखेंगे b = 1। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, मैं इसको भी 1 ही लिखूँगा। ये सेकंड इक्वेशन को जब रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9a + 18b = 1, नंबर 2। अब इन्हें एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। चलिए एलिमिनेशन के लिए इन्हें ऊपर नीचे लगाते हैं, फर्स्ट इसके नीचे सेकंड। अब आपको कॉफिशेंट सेम करना है, मैं ए को सेम करना चाहता हूँ, तो मुझे जो ए के ऑलरेडी कॉफिशेंट्स हैं इनको सेम करना होगा और उसके लिए लेना पड़ेगा इनका एलसीएम। अब 8 और 9 का एलसीएम 72 आता है, तो दोनों जगह पे 72 मुझे बनाना है। अब फर्स्ट इक्वेशन को किससे करेंगे ताकि यहाँ 72 आए 9 से, और सेकंड को किससे करेंगे 8 से। तो पूरी इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 8 9 72 ए तो बन गया 29 180 b = 9 1 9। यहाँ पे 8 9 72 ए और 18 8 करेंगे आप, ये 144 आ जाएगा, 8 1 8। कॉफिशेंट सेम हो गया। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस। ए आपका एलिमिनेट हो गया। इन्हें जब आप सॉल्व करेंगे 180 में से 144 माइनस करेंगे तो प्लस का 36 भी आता है और यहाँ पे आपका 1 आ गया, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 36। तो बी तो आ गया, अब आपको ए भी निकालना है। इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, लैंग्वेज लिखते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन है मेरी 8a + 20b, बी की जगह लेना है 1 अपॉन 36 = 1। सॉल्व करेंगे, 8a आ गया, ये आपका 4 से कट रहा है, ये 4 5 4 9, तो 5 अपॉन 9 आ गया = 1। ए को अलग ले लेना है तो 1 - 5 अपॉन 9, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 8 है इधर, 9 1 9 और -5 4 अपॉन 9, तो ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी ये 4 अपॉन 9 और 8 इधर आ जाएगा आपका डिवाइड में, क्योंकि यह मल्टीप्लाई में है ना, तो 4 1 4 2 0, तो ए की वैल्यू 1 अपॉन 9 2 0 18, तो आपके ए और बी आ गए हैं। लेकिन निकालना है आपको एक्स और वाई, तो फिर से वही जो आपने लेट किया हुआ है उनमें ये वैल्यूज पुट कर लेंगे, आपके एक्स वाई भी आ जाएंगे। तो मैंने लेट किया हुआ है 1 अपॉन x को तो a किया हुआ है,
तो 1/x में मैं a की वैल्यू पुट करूंगा, ये है मेरी 1/18। तो x वन ज़ार x, 18 वन ज़ार 18, तो x आ गया। दूसरा मैंने लिया हुआ है 1/y इज इक्वल टू b, तो 1/y इज इक्वल टू में b की वैल्यू 1/36, y वन ज़ार y, 36 वन ज़ार 36, ये आ गया आपका y। x और y आपको निकालने थे, x था क्या, x ये था आपका, ये देखिए, वन वोमेन फिनिश वर्क इन एक्स डेज, यानी अकेली औरत उस पूरे काम को कितने दिन में कर देगी, 18 दिन में, 18 डेज में, और अकेला आदमी पूरे काम को वाई दिन में पूरा कर देगा, यानी कि वाई 36 आया 36 दिन में। तो फाइनल आंसर आप इस तरह लिखेंगे, देयरफॉर वन वोमेन कैन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज, और एक्स है 18, 18 डेज, एंड वन मैन कैन फिनिश द वर्क इन वाई डेज, यानी कि 36, 36 डेज, ये आपका